हाय गाइस वेलकम टू क्वेश्चन बे एंड क्राफ्ट आज के वीडियो में हम हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी के लिए विंटर स्पेशल टेसल और फर स्टाइल में दो बहुत ही सुंदर से पोचू तैयार करने वाले हैं एक वीडियो में दो पोचू बनाने के आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और हमने अभी तक विंटर रिलेटेड जो भी वीडियोस लड्डू गोपाल जी के लिए पोस्ट किए हैं उन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएंगे तो वहां पे आप उनको चेकआउट कर सकते हैं आइए आज का शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम टेसल स्टाइल पोंचू बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बुकरम का बेस रखा है और इसके ऊपर ये कॉटन का अस्तर यहाँ पे हमने अप्लाई किया है और हम लेने वाले हैं इन दो कलर्स में वूल तो एक तो ये बहुत ही प्यारा सा येलो है और गोल्डन येलो टाइप का शेड है और ये है बहुत ही सुंदर सा रेड तो येलो और रेड के कॉम्बिनेशन में फर्स्ट पोंचू हम तैयार करेंगे कलर कॉम्बिनेशन आप पूरे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं फर्स्ट पूछू हम बना रहे हैं चार नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए और इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसकी लेंथ और वर्थ किस तरीके से रखी है तो जो हमारे लड्डू गोपाल जी की दो स्ट्रिप वाली चोली होती है उसकी जितनी आप लेंथ रखते हैं जैसे चार नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए हम लेंथ रखते हैं सिक्स इंचेस की लेंथ रखते हैं तो यहाँ पे मैंने इसके लिए फाइव पॉइंट फाइव इंच के करीब लेंथ रखी है ये देखिए अप्रॉक्स फाइव पॉइंट फाइव इंच है तो जितनी भी लेंथ है उसमें पॉइंट फाइव आपको डिक्रीज करते हुए चलना है और इसकी जो वृथ है वो आप अपने लड्डू गोपाल जी के विग्रह के हिसाब से रख सकते हैं अब यहां देखिए इसको हम पहले इस तरीके से डबल में फोल्ड करेंगे फिर एक और बार डबल में फोल्ड करेंगे अब यहां पे हमें मार्किंग करनी है तो सबसे पहले इस वाली जगह तो आपको लड्डू गोपाल जी के नेक के हिसाब से मार्क लगाना है तो ये देखिए मैंने नेक के हिसाब से लगा दिया अब यहां पर यानी कि इस वाली जगह आपको पोचू को जिस हिसाब से शेप देना है वैसे मार्किंग लगानी है तो मैं यहाँ पे जस्ट एक इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर दूंगी मैंने फ्री हैंडली ड्रॉ किया आप चाहे तो स्केल से भी कर सकते हैं अब यहां सीजर की मदद से ये वाला हिस्सा और साथ में ये वाला पार्ट हम कट कर लेंगे कटिंग पूरी हो गई अब हम इसको ओपन करेंगे तो इसकी शेप यहां पे कुछ इस तरीके की आ गई है गाइस बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे कटिंग हुआ है और लड्डू गोपाल जी की नेक पे डालने के लिए भी प्रॉपरली एक ओवल कट हो गया है अब चलिए टेसिल बना लेते हैं अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है मैंने दो फिंगर्स लिए हैं और दो के ऊपर ये जो हमारी रेड कलर की वूल है इससे मैं आपको रेड कलर में बहुत प्यारा सा टेसल बनाना सिखा रही हूँ तो यहाँ पे हम इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी लगभग यहाँ पे ट्वेंटी टाइम्स मैंने इसको अपनी फिंगर के ऊपर घुमाया है और गाइज हमने इसको यहाँ पे फिंगर से बाहर निकाल लिया तो एक इस तरीके का बंच हमारा तैयार हो गया है अब इसको हमें करना है टॉप से टाई जिसके लिए ये वाला जो ऊन का पीस है इसको मैं कुछ इस तरीके से एकदम टाइट लेते हुए बांधूंगी ये देखिए दो से तीन बार घुमा दीजिएगा और उसके बाद इसको टाई करने का एक और इजी तरीका बताती हूँ आपको यहाँ पे हाथों से एक इस तरीके का लूप बनाना है और उसमें इसको इस तरीके से लेके खींच देना है सिंपली तो ऐसा आपको यहाँ पे दो से तीन बार करना है ताकि ये टेसल जो है ना प्रॉपरली हमारा टाई हो जाए बहुत इजी सा मेथड है गाइस अब ये हो गया अब यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं तो ये देखिए ये मैंने यहाँ से इसको कट भी कर लिया और अब इसके बाद ये वाले हिस्से से हम इसको प्रॉपरली कट करने वाले हैं ये देखिए गाइस हमने इसको यहाँ से पूरा कट कर लिया था अच्छे से और अब जैसे आपको दिख रहा होगा ऊन थोड़ी सी आगे पीछे हुई भी है तो इसको हम ट्रिम करेंगे तो यहाँ पे ये जितना भी एक्सेस मुझे वूल लग रहा है उसको मैं कट करके निकाल दूँगी ताकि मेरा टेसल एकदम प्रॉपर बने ये देखिए ये हमने कट कर दिया ये काफ़ी घना घना सुंदर सा टेसल हमारा बन के तैयार है अब चलिए पोचू के बेस पे इनको लगाना स्टार्ट करते हैं रेड में यहाँ पे टोटली मैंने सिक्स बनाए हैं और अगर हम येलो की बात करें तो यहाँ पे मैंने चार बड़े बड़े बनाए हैं और दो इस तरीके के छोटे बनाए हैं दो छोटे हम शोल्डर्स की तरफ लगाएंगे इसलिए मैंने छोटे साइज में बनाए इनको अब इसको लगाना कैसे ये थोड़ा देख लीजिए आप सबसे पहले एकदम बीचों बीच रेड लगाया मैंने और अब इसके दोनों साइड पे हम ये येलो कलर के टेसिल यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाएंगे और इनका जो ये गोल वाला हिस्सा है ना वो लड्डू गोपाल जी के नेक वाले हिस्से की पूरी बाउंड्री देते हुए चलेगा अब ये दो येलो लगाए हैं इनके पास हम ये रेड लगा रहे हैं दोनों को ऐसे करके लगा दिया मैंने और अब मैंने आपको दो छोटे छोटे टेसल भी दिखाए थे येलो में वो मैंने आपसे कहा था कि शोल्डर्स की तरफ आएंगे तो इनको हम यहाँ लगाएंगे शोल्डर्स की तरफ अब इतनी दूर में जो करते हैं वो सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी मैं यहाँ पे दो रेड लगा देती हूँ ये हमने दो रेड लगा दिए अब सिंपली यहाँ पे दो येलो लगा देंगे और सेंटर पे यहाँ पे भी हमने इसकी तरह ही रेड लगा दिया इसी के साथ मैं इसको पूरा इस तरीके से स्टिच करने वाली हूँ गाइस और ये देखिए गाइस सारे के सारे टेसल्स को हमने एकदम प्रॉपरली लगा लिया था यहाँ पे मैंने दो छोटी छोटे टेसल्स और बना के लगाए थे शोल्डर की तरफ आप एक बार जब सारे के सारे टेसल लगा लेंगे ना या स्टिच कर लेंगे या जैसे भी आप लगा लेंगे उसके बाद आपको इनको इस तरीके से सिजर या कोई भी इस तरीके की नुकीली चीज़ हो गई कोई कोम्ब हो गया उसकी मदद से ऐसे करके सेट करना है ताकि किनारे से कितना कितना वूल एक्स्ट्रा रह रहा है उसका आपको एक आइडिया लग जाए और बाद में आप उसको प्रॉपर शेप के साथ ट्रिम कर सकें तो मैंने वैसे एक बार ट्रिम कर लिया है मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि कैसे करना है मैंने इन टेसल्स को यहाँ पे स्टिच किया है जैसे नॉर्मली हम करते हैं हमने निडल लिया उसको यहाँ पे हमने टेसल्स के साथ लेते हुए ही पास किया फिर दोबारा से उसी जगह पे हमने निडल को डाल दिया और यहाँ पे बैक साइड पे हमने इसको लॉक कर दिया और इसी तरीके से लाइन से सारे के सारे टेसल्स को आपको स्टिच करना है एज इट इज आपको नेक के थ्रू उनको ये वेयर करा देना है बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे लड्डू गोपाल जी एकदम उनको गर्म रहेगा ये तो so गाइज ये मैंने एक बॉटल के ऊपर आपको वेयर करा के दिखाया था कि आपको आइडिया लग जाए काना जी को कैसे पहनाना है इससे उनकी जो चेस्ट वाला हिस्सा है वो पूरा अच्छे से कवर रहेगा एकदम यहाँ पे उनको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी तो चलिए गाइज हम हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए फर्स्ट स्टाइल सर्दी स्पेशल पोचू बनाना स्टार्ट करते हैं जो पोंचू में हमारा सेकंड डिजाइन है ये मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ तीन नंबर के लड्डू गोपाल जी के हिसाब से तो इसके लिए मैंने बुकरम की रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कट की है और उसके बाद अस्तर का कपड़ा यानी कि बेस में हमने कॉटन का फैब्रिक यहाँ पे अप्लाई किया है साथ में मैंने थ्री कलर्स में वूल लिए ये हैं येलो ये है बेबी पिंक और ये है डार्क ब्लू तीनों ही कलर्स काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं आप दो कलर्स में बना सकते हैं सिंगल कलर में भी बना सकते हैं मल्टीपल कलर्स में बना सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे थ्री कलर्स में बनाया है सो so गाइस तीन नंबर के लड्डू गोपाल जी के हिसाब से जो हमारी दो स्ट्रिप वाली चोली होती है उसकी लेंथ 5.5 इंच होती है तो यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ 5 इंच रखी है यानी कि पहले वाले पोंचू की तरह इसमें भी 0.5 हमने डिक्रीज किया है और विथ तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने लड्डू गोपाल जी के विग्रह के हिसाब से रख सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे हम इसको पहले एक हाफ में हमने फोल्ड किया फिर एक और बार इस तरीके से हमने हाफ में फोल्ड किया यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की नेक के हिसाब से आपको निशान लगाना है ये हमने निशान लगा लिया और अब सीजर की मदद से यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कट कर लूँगी यहाँ देखिए गाइस हमने इसको अच्छे से कट कर लिया है मैं ओपन करके पूरा प्रॉपरली आपको दिखाती हूँ ये देखिए कितना प्रॉपर एक सर्कल आ गया है हमारा और नेक के लिए सर्कल कट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको नीचे की तरफ से भी अच्छा सा डिज़ाइन देने वाली हूँ तो ये देखिए गाइज यहाँ से मैं इसको गोल करने का ट्राई कर रही हूँ दोनों किनारों से तो अब इन हिस्सों को हम प्रॉपरली कट कर लेते हैं इसका शेप यहाँ पे पूरा ऑल ओवर कुछ इस तरीके का लग रहा है अब वूल का पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं सो गाइज यहाँ पे फिंगर्स के ऊपर मैंने दोबारा से वूल ले ली है यहाँ पे भी मैं दो ही फिंगर्स के ऊपर इस वूल को इस तरीके से रोटेट कर रही हूँ टोटली यहाँ पे हमें इसको बीस बार इस तरीके से घुमाना है बीस बार फिंगर्स पे मैंने इसको रोटेट कर लिया है इसको हमने फिंगर से निकाल भी लिया अब ये वाला जो ऊन का पीस है जो इसके साथ से ही हमने रखा हुआ है अभी तक उसकी मदद से मैं इसको एकदम बीचो बीच से इस तरीके से टाई करते जाऊंगी और बीच से टाई करने के बाद जैसे अभी हमने टेसल में किया था इसका मैं लूप बना के इसको सिंपली ऐसे करके खींचती जाऊंगी और अब इसके बाद यहां से ये जो गोल गोल यहाँ पे लूप आ रहे हैं इनको भी हम कट कर लेंगे फिर किनारे से ट्रिम कर लेंगे वही वाला सेम मेथड है गाइस कटिंग वगैरह का जो अभी तक हमने टेसल में किया था सेम वही चीज़ है तो आपको ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से पकड़ते हुए सेट करेंगे ये देखिए गाइस ऐसे करते हुए मैंने इसको सेट किया है और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से भी ऊन की मदद से हम इसको टाई कर देंगे एकदम टाइटली आपको यहां से इसको बांध देना है कुछ ऐसे करते हुए सो so, ये देखिए गाइस ये हमारा कितना सुंदर फर टाइप में पैटर्न बनके तैयार है बैक साइड से बहुत प्रॉपर्ली मैंने इसको टाई कर दिया था इस तरीके के मैंने काफ़ी सारे येलो ब्लू और बेबी पिंक बनाए हैं ये देखिए गाइस मैं आपको एकदम क्लोज अप लेके दिखा रही हूँ आप भी इस तरीके से बना सकते हैं और अगर आपको ये और बड़े साइज के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाने हैं तो मैंने जैसे दो फिंगर्स पे बनाया था आप तीन पे बना सकते हैं छोटे बनाने हैं तो एक फिंगर पे भी बना सकते हैं ये आपके लड्डू गोपाल जी की साइज के ऊपर डिपेंड करता है बेस के साथ फर को अटैच करने के लिए आपको जस्ट नॉर्मल स्टिच करना है यहाँ पे पीछे से नेडल निकालिएगा इसके साथ लेते हुए दोबारा से उसी पॉइंट पे नेडल डाल के बैक साइड पे आप लॉक कर दीजिएगा ऐसे करते हुए सारे के सारे फर पूरे के पूरे पूँचू के बेस पे आपको अपने अकॉर्डिंग अपने कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग स्टिच करने हैं और ये वाले हिस्से के थ्रू आप बहुत इजीली स्टिच कर पाएंगे तो चलिए मैं पूरा स्टिच कर लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी फाइनली गाइज लड्डू गोपाल जी के लिए फर्स्ट स्टाइल पोचू बन के तैयार है यहाँ पे ऊन को हमने काफ़ी ऊपर उठाते हुए लगाया है ताकि एकदम प्रॉपर फर का लुक दे और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है गाइज एकदम फर वाला लुक आ रहा है इसमें लड्डू गोपाल जी को ये काफ़ी गर्म रहेगा बहुत कंफर्टेबल रहेगा और हमारे खाना जी क्यूट तो लगेंगे ही और ये देखिए गाइज मैं आपको एक बॉटल के ऊपर ये वेयर करा के दिखा रही हूँ आप अपने लड्डू गोपाल जी को कुछ इस तरीके से पहना सकते हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगेंगे इसमें ये देखिए इसके फर आपको काफी ज्यादा पास से मैं दिखा रही हूँ बहुत सुंदर लग रहा है ये इससे ना गाइज एकदम उनका चेस्ट वाला पूरा हिस्सा अच्छे से कवर होगा उनको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी सो ये था हमारा आज का शानदार वीडियो जिसमें मैंने आपको लड्डू गोपाल जी के लिए विंटर स्पेशल दो एकदम यूनिक और बहुत ही सुंदर से पूछू बनाने सिखाए आज के वीडियो में हमने टेसल प्लस फर स्टाइल में गर्म रहने वाला कंफर्टेबल पूछू काना जी के लिए बनाना सीखा सो so गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के क्रिएटिव यूनिक एंड एकदम स्पेशल आइडिया के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर हरे कृष्णा राधे राधे थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज बाय